बनाते हैं। ये टमाटो है, थोड़ी ये भी टमाटो, ये भी है। गंदी बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझे हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो गाइस आज फाइनली वो डे आ चुका है, आज है दिवाली। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस अभी सुबह सुबह मस्त नहा धो के तैयार हो गए हैं, मंदिर भी आ चुके हैं। तो अभी देखते हैं दिवाली की तैयारियां स्टार्ट करते हैं और शाम को धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। देखिए यहाँ पे रोही है, सुबह से डांस कर रही है, इसने टीवी लगा रखा था, डांस रूस कर रही थी। ये कर रहे हो? ये कर रहे हो? तो गाइस सबसे पहले हम लेते हैं बीए। और क्यों प्यार है? तो बीए हमने जो लिए थोड़ा उसको पहले पानी से साफ कर लेंगे, फिर उसको सुखाएंगे और फिर उसके लिए तेल शाम को जो दिवाली बनाएंगे तो तेल वगैरह इसमें डाल के दिए जगाएंगे। चलिए अभी हमने इसको भिगो लिया है। क्या करना पा? हाँ जी, इस तरह से हमने परातों में रख लिया इसको, तो इसको धूप में सुखाते हैं थोड़ी देर। नहीं देखो आता है ना डांस। तो गाइस देखिए अभी पोछा लग रहा है यहाँ पे। तो आज देखिए नया जो है बैठ कर पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो वेट वगैरह रिड्यूस कर रहे हैं ना, ना वो जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं इंसान को होती है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं कभी होती है। तो इस तरह से ना जो इंसान को हेल्दी रहते हैं। हाँ जी देखिए वही अभी डांस करके मस्त नहा धो के तैयार हो गई अभी। अरे क्या लेके जा रहे हो? ये क्यों? क्योंकि क्योंकि वो थक गए होने। कौन थक गए होने? वो कौन? उनको पानी पीना है। किनको? अच्छा पौधों को। देखिए पौधों को पानी डालने के लिए ना बकूल है। ऐसे क्यों किया आपने? तो गाइस देखते हैं अभी क्या बन रहा है लंच में। तो लंच में आज लगता है मैक्रोनी बन रही है, सारा सामान तैयार मैक्रोनी का, तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। हाँ जी डाल। हेलो गाइस, आज पापा कर रहे हैं ये प्याज, ये देखो ये टमाटो है थोड़ी, ये भी टमाटो, ये भी है। और ये क्या है? ये क्या है? प्याज। प्याज ओनियन है, ये थोड़ी ये ओनियन है। मम्मा का हाथ कुछ झुक गया है, कट हो गया मम्मा का, इसीलिए पापा खुद कर दे। तो गाइस अभी लंच करते हैं, बन के मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। तो देखिए काफी मस्त लग रही है। देखिए अरे कैसी लगी? मिर्च लग रही है रोहित को। तो दीपावली इसलिए हमने मैक्रोनी बनाई है, सुबह हमने मूली वाली मैक्रोनी बनाई। तो गाइस फिलहाल देखिए दिवाली डेकोरेशन की तैयारियां चल रही है। यहाँ पे लड़कियां लगा दी थोड़ी सी, आराम की हमारे पूरा बना हुआ था यहाँ पे सिंहासन, तो यहाँ पे लाइट्स लगा दी। फिर यहाँ पे हम माता का वो चौकी जो बोलते हैं वो लगाएंगे, तो अभी फूल वगैरह लगा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। अरे आप भी हेल्प करवाओ यार। चलो इसे ऐसे पकड़ लो। अरे करवा रहे हो हेल्प आप? वो देखो आरू भी हेल्प करवा रहे हैं पूरी। ठीक है ना ऐसे? पर नहीं, हम जोत भी रखेंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे लगा रहते हैं इसे, है ना? हाँ जी। तो गाइस देखिए फाइनली जो है देखिए इस तरह से ये सज चुका है। अभी मूर्ति वगैरह लगेगी,
बाकी ये डेकोरेशन जो है ये हो चुकी है, इधर ये भी चुकी है, इधर ये पिलर था इसको सजा दिया, तो यहाँ पे भी रंगोली वगैरह बनाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी रोही रंगोली का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, तो अभी रंगोली बनाएंगे, अभी डिजाइन थोड़ा तैयार कर दिया है। तो गाइस देखिए फाइनली जो है रंगोली बन के तैयार हो चुकी है, देखिए ये सारी मेहनत की हमने लिखा इस तरह से। तो आरू कैसी लगी आपको ये, कैसी गंदी? लगी गंदी, क्यों क्या है इसमें गंदा? इसीलिए मैं गंदी बोल रही हूं क्योंकि आपने मुझे ये कलर नहीं दी थी। तो अभी समझा मैं, ये तो अच्छी है रंगोली लेकिन ये गंदी इसलिए बोल रही क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रही थी ना, तो इसका हमने डांटा, बीच में रोने भी लग गई थी, तो इसलिए बोल रही गंदी है, कहते मैंने भी रंगोली बनानी है, इसने खराब कर दी दो तीन बार रंगोली। तो गाइस फाइनली अभी तैयार हो चुके हैं दिवाली के लिए, पूजा के लिए, तो मैंने इस तरह से देखिए येलो कलर का कुत्ता जामा डाला है, और यहाँ पे मैंने देखिए सारी टाइप लहंगा डाला है, यहाँ पे रोही तैयार हो रही है, तो क्या कर रहे हो आप, देखिए खुद ही लगी हुई है मेकअप। तो चलिए गाइस अभी दिए वगैरह तेल वगैरह भरते हैं दियो में, और दियो की करते हैं शुरुआत फिर दिवाली की। चलिए देखिए दादी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और दादी देखिए यहाँ पे तेल भरना स्टार्ट भी कर दिया है, नहीं अभी तो दिए बाती वगैरह भर रहे हैं दियो में। तो गाइस देखिए सभी दियो में तेल डाल दिया हमने, तो यहाँ पे देखिए हमने जगा दिया दिया भी, तो अभी पूजा जो है स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में हम। मेरी बना लेते अलेक्सा माँ लक्ष्मी जी की आरती लगाओ। जियो सावन से अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण, तो गाइस फिलहाल देखिए दिए भी जगा दिए हैं, देखिए बाहर देखिए दरवाजे के बाहर यहाँ पे पार्क के पास भी जाती है, देखिए यहाँ पे सीढ़ियों के पास। तो गाइस फाइनली देखिए सोन पापड़ी आ चुकी है जो हमने घर पे बनाई थी, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उस पर आपको पहले पता लग जाता है कि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग जो है किस बारे में आने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ये सोन पापड़ी टेस्ट करते हैं जो हमने खुद घर पे बनाई थी, जी गाइस टेस्टी है। तो गाइस डिनर अपना आ चुके हैं, आज चावल के साथ दाल है, तो दिवाली पे ना हमेशा चावल दाल ही बनते हैं, शक्कर भी बनता है लेकिन मैं शक्कर में नहीं, तो चावल चावल ही खाएंगे। क्या हुआ और इससे ना पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा ना, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता। खाना खाओ पहले, खाना खाओ, यार उसमें ना पोल्यूशन होता बहुत ज्यादा। कौन चलो 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 अरे मुझे ना मास्क लगाना पड़ेगा, फिर मुझे मास्क लगाना पड़ेगा। देखिए रोही जो है ना पटाखों के पीछे पड़ी हुई है, कि मुझे पटाखे चाहिए, तो मम्मी थोड़े से पटाखे लेकर आओ। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले गए अकेले? तो गाइस देखिए इनको लेकर आया दोनों को ना, अभी वहाँ पे ना सारे गांव वाले ना इकट्ठे जो भी अपने कजन से इनको लेकर आए, ये बच्चे है ना कि इनको चोट ना लग जाए। तो गाइस फाइनली जो है बना के ये है अभी। तो गाइस देखिए अभी जो है
ये देखिए काजल वगैरह डाला है। हेलो गाइस, हमने तो काजल अभी डाल लिया है। कोई बोलता सुबह डालना है, कोई बोलता रात को डाल लेना है, हमने तो अभी डाल लिया। कोई बोलता है डालना ही नहीं है। हमने आगे गाइस, मुझे इतने साल हो गए दिवाली मनाते, लेकिन मैंने पहली बार सुना काजल डालते मेरे घर में। मैंने तो पहली बार सुना ही काजल भी डालते। फिर हो हटे गंजिया मत, नजर नजर ठीक रहती है इससे पाने से, तो हमारे को नहीं पता था। हमने तो अभी डाला पहली बार, लेकिन मैंने तो कभी डाला नहीं पूरी जिंदगी, इतनी जिंदगी निकल गई मेरी, लेकिन आज तक कभी डाला नहीं। फर्स्ट टाइम डाला मैंने भी एक्सपीरियंस। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एंड फ्रेश ब्लॉग में। धन्यवाद, जय हिंद। और देखिए रंगोली के पास बैठ के ना चम्मच से ये सेट कर रही है इसको। एक्चुअली हमने इसको डांट दिया था ना जब ये बना रही थी ना, जब हम रंगोली बना रहे थे तो ये डिस्टर्ब कर रही थी, खराब कर रही थी, तो हमने इसको डांट दिया था, पका दिया था, रोने भी लगी थी। तो अभी बेचारी जब इसको टाइम मिला ना अकेली को बैठने का, तब ये अपने शौक पूरे कर रही है इसको रंगोली को सजा के। उस टाइम हमने इसको हाथ लगाने दिया था, तो अभी इसको लगा कि अब कोई मुझे तंग नहीं करेगा, अब कोई मुझे डांटेगा नहीं, तो अभी अकेली बैठ के यहाँ पे देखिए खेलने लगी रंगोली। और अच्छी लगी आपको रंगोली?